नमस्कार दर्शक बंधु, शुभ सकाळ। आज खबर बुलेटिन को आपण मानक स्वागत। आसतु आज गुरुत्वपूर्ण खबर उपर नजर पकेवा। नंबर वन, गुरुवार कर्णाटक नुआ मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण। गुरुवार दिन कर्णाटक नुआ मुख्यमंत्री एवं कैबिनेट शपथ ग्रहण करिवे। कांग्रेस क्या दायित्व देव ता स्पष्ट हो नथिले भी गुरुवार दिन शपथ ग्रहण समारोह हेबो बोली सूचना मिली। उक्त कार्यक्रम में गांधी परिवार सह जातीय कांग्रेस मुख्य मल्लिकार्जुन खड़गे जोगदेवे। शपथ ग्रहण कार्यक्रम में जोगदेवा पाई कांग्रेस समभावापन्न दल को निमंत्रण पठाई कहुई। तेरे राज्यर परवर्ती मुख्यमंत्री चयन पाई कांग्रेस तीन जन पर्यवेक्षक नियुक्त करिछि। कांग्रेस नियुक्त करिथिबा तीन जन पर्यवेक्षक होउछंती महाराष्ट्रर पूर्वतन मुख्यमंत्री सुशील कुमार सिंदे, पूर्वतन साधारण संपादक दीपक बावरिया एवं वर्तमान साधारण संपादक भवर जितेंद्र सिंह। परवर्ती खबर, आज दुबई को विमान सेवा। विजु पटनायक आंतर्जातिक विमान बंदर सोमवार दुबई को सीधासड़क विमान सेवा आरंभ होबाक जाउछि। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक एही विमान सेवा को आनुष्ठानिक भाव उद्घाटन करिवे। उत्कल दिवस विमान सेवा पई टिकेट बिक्री शुभारंभ करिथिले मुख्यमंत्री। आज उद्घाटनी विमान रे राज्य सरकार को 37 जणिया दलों सह मोट 137 जण यात्री दुबई जबार निष्पत्ति होईछि। एही विमान सेवा आरंभ हेबा द्वारा ओडिशा को अधिक व्यवसाय और पूंजी निवेशर सुजोग सृष्टि होई पारिबो। विदेश रे रहुतिबा ओडिया को उक्त विमान सेवा सहायक होई पारिबो। इंडिगो एयरलाइंस मे 15 रे भुवनेश्वर रु दुबई को विमान उड़ाण करिबा नै पूर्व रु टिकट बिक्री आरंभ करछि। सप्ताह सोमवार बुधवार एवं शुक्रवार भुवनेश्वर रु दुबई विमान उड़ाण करिबा नै विमान बंदर कर्तृपक्ष कार्यसूची प्रस्तुत करछन्ति। भुवनेश्वर विमान बंदर रु इंडिगो विमान सकाळ 6:30 मिनिट रे उड़ाण करि दुबई रे पूर्वाह्न 9:45 मिनिट रे अवतरण करिबो। सेहिपरि दुबई रु एही विमान सही दिन अपराह 3:15 मिनिट रे भुवनेश्वर अभिमुखे बाहर। परवर्ती खबर, विजय पर मुख्यमंत्री को भेटिले दीपाड़ी। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक झारसुगुड़ा उपनिर्वाचन में विजयी होता दीपाड़ी दास रविवार भेटी। नवीन निवास रे दीपाड़ी दास मुख्यमंत्री को भेटी। एने मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ट्विट कर लिखिजे झारसुगुड़ा उपनिर्वाचन रे ऐतिहासिक विजय हासिल करथिबा बीजेडी रो प्रार्थी दीपाड़ी दास को भेटिली। दीपाड़ी दास को विपुल विजय पर शनिवार मुख्यमंत्री नवीन पटनायक फोन जोगे कथबार्ता हो अभिनंदन जनाइथिले। एही विजय सह झारसुगुड़ार विकास प्रक्रिया को त्वरान्वित करबा पई मुख्यमंत्री परामर्श देथिले। बीजेडी प्रार्थी को विपुल भोट रे विजयी कराइथिबारु झारसुगुड़ा वासी को मध्य मुख्यमंत्री कृतज्ञता ज्ञापन करथिले। परवर्ती खबर, मंत्री प्रमीणा मल्लिक को मिलला आउ दुई विभाग। राजस्व और विपर्य परिचालना मंत्री प्रमीणा मल्लिक को आउ दुईटी विभाग दायित्व मिली। राज्य सरकार तरफ मंत्री प्रमीणा मल्लिक को विद्यालय और गणशिक्षा एवं श्रम और राज्य कर्मचारी बीमा विभाग अतिरिक्त दायित्व दि जाएगी। निकटरे दुई राष्ट्रमंत्री इस्तफा देलापर एक दुईटी विभाग खाली पड़ा। शुक्रवार समीर रंजन दास विद्यालय और गणशिक्षा विभाग एवं श्रीकांत साहू श्रम और राज्य कर्मचारी बीमा विभाग मंत्री पदर इस्तफा देते। दुई विभाग अतिरिक्त दायित्व राजस्व और विपर्य परिचालना मंत्री प्रमीणा को मिली। परवर्ती खबर, हाइकोर्टर ग्रीष्मकालीन अवकाश 22 ओडिशा उच्च न्यायालय ग्रीष्मकालीन अवकाश चलित मास 22 आरंभ हेब। 20 और 21 तारीख दुई दिन छुट्टी थिबारु अदालत कार्य बंद रहिब। आसंता जून 20 पर्यंत एही ग्रीष्मकालीन अवकाश बलवत्तर रहिब। सेहिपरि केन्द्रीय न्यायिक प्राधिकरण कटक बेंचर ग्रीष्मकालीन अवकाश आसंता 22 आरंभ हो जून 19 रे शेष हेब। चलित मास 23 और 31 एवं जून 14 तारीख रे अवकाशकालीन अदालत रे अति गुरुत्वपूर्ण मामलार शुणाणी करा जिवो। तेबे क्याट को रजिस्ट्री एही अवधि मध्यरे दिन 10:30 रु अपराह्न गोटाए पर्यंत
गुरुत्वपूर्ण मामला गुड़िकर आवेदन ग्रहण करिबे। जून 20 रे प्राधिकरण यथाविधि कार्य करिबो बोली क्याट कटक बेंच पक्षरु जुग्म रजिस्ट्रार पी पोंडा प्रेस बिबृति रे सूचना देछंती। परवर्ती खबर, एणिकी जेल कर्मचारी देहरे लागिबो बॉडी कैमेरा। राज्यर थिबा प्रमुख कारागार सुरक्षा व्यवस्था को गुरुत्व दिया जाउथिला बेले एबे दुर्दांत अपराधी रहुथिबा कारागारर सुरक्षा व्यवस्था को वृद्धि करा जिवो। कारागार संस्कार कार्यक्रम बंदी को आत्मनिर्भरशील हेबाकु तालीम प्रदान करा जिवा सह संस्कारमूलक कार्यरे नियोजित करा जाउछि। सही अनुसारे प्रमुख कारागारर आधुनिकीकरण योजना रे सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करा जाउछि। विशेषकर वैषयिक ज्ञान कौशल युक्त सुरक्षा व्यवस्था को गुरुत्व दिया जाउछि। बंदी गतिविधि उपरे नजर रखिबा लागि परीक्षामूलक भावे भुवनेश्वर झारपडा स्वतंत्र कारागार ओ चौद्वार मंडल कारागार कर्मचारी को बॉडी कैमेरा प्रदान करा जाइथिला। एहा द्वारा कारागार भितरे अपराधिक गतिविधि को अनेकांश रे नियंत्रण करिवारे सफलता मिलिथिला। राज्यरे थिबा अन्य कारागार रे बंदी माने निशाद्रव्य सेवन मोबाइल फोन व्यवहार करिबा नै जणा पडिबा परे विभाग पक्षरु तत्परता प्रकाश पाइछि। विशेषकर जो कारागार दुर्दांत अपराधी रहुछंती सेठारे सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने को गुरुत्व दिया जाइछि। प्रथम पर्यायर सातटी कारागार कर्मचारी को बॉडी कैमेरा जोगाइ दियाजिबो बोली जनापड़ी। ब्रह्मपुर संबलपुर केन्द्रापड़ा बालेश्वर झारसुगुड़ा सुंदरगढ़ कोरापुट कारागार कर्मचारी को बॉडी कैमेरा जोगाइ दियाजिबा योजना रही। एने कारागार महानिर्देशक मनोज छाबरा कहिछंती जे क्यों कारागार को बॉडी कैमेरा जोगाइ दियाजिबो तहार निष्पत्ति होइनाही। आवश्यक बॉडी कैमेरा आसी पर्याय क्रमे विभिन्न कारागार को यह जोगाइ दियाजिबो बोली श्री छाबरा कहिछंती। परवर्ती खबर, ब्रह्मोस क्षेपणास्त्र सफल परीक्षण। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज क्षेपणास्त्र सफल परीक्षण होइछि। आईएनएस मोर मुगावरु एही क्षेपणास्त्र को निक्षेप करा जाइथिला बेले एहा धार्य लक्ष्यस्थल को निशाण करिछि। रविवार नौसेना अधिकारी क्षेपणास्त्र सफल परीक्षण संपर्क में सूचना देइथिबा बेले इहाकु केउठारे परीक्षा करा जाइथिबा ताहा कुआ जाय नाही। ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड पक्षरु एही क्षेपणास्त्र को तयारी करा जाइछि। एही क्षेपणास्त्र को बुडा जहाज जहाज युद्ध विमान और स्थलभागरु निक्षेप करा जाय पारिबो। एही क्षेपणास्त्र बेग 2.8 मार जहाँ शब्दर गति ठारु तीन गुणा अधिक। 2022 डिसेंबर 18 रे प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को उपस्थिति रे नौसेनारे सामिल करा जायथिबा आईएनएस मोर मुगाओ होउछि 4 विशाखापटना क्लास डेस्ट्रॉय मानक मध्यरे द्वितीय। भारतीय नौसेनार निजस्व वारशिप डिजाइन ब्यूरो रे इहार डिजाइन करा जायथिला। इहार निर्माता होउछि माजागांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। परवर्ती खबर, 30 जिले में शेष होला राष्ट्रीय लोक अदालत। राज्य आईन सेवा प्राधिकरण आनुकूल्य द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत 30 जिले में अनुषित हो जाइछि। राज्य आईन सेवा प्राधिकरण मुख्य पृष्ठपोषक तथा उच्च न्यायालय मुख्य विचारपति एस मुरलीधर, प्राधिकरण कार्यनिर्वाही अध्यक्ष तथा उच्च न्यायालय विचारपति सुभाषिष तला पात्र प्रत्यक्ष तत्वावधान एही लोक अदालत होइथिला। राज्य में मोट 15,827 मामलार समाधान करा जाइछि। तन्मध्यरु 11,856 मामला विभिन्न अदालत रे विचारधीन रहिथिला। एथिसह 98,28,18,698 जरिमाना एवं क्षतिपूरण बाबदरे स्थिर होइथिबा राज्य आईन सेवा प्राधिकरण पक्षरु सूचना दिया जाइछि। परवर्ती खबर, नियमित हेले 262 सेविका कर्मचारी। खूब शीघ्र 7,483 को मिलिबो नियुक्ति। राज्य रे स्वास्थ्य सेवा को त्वरान्वित करिबा लागि डाक्टर ओ पारा मेडिकल कर्मचारी को मध्यरे नर्सिंग ऑफिसर को गुरुत्वपूर्ण भूमिका रहिछि। इहा को दृष्टि रे रखी सरकार को पक्षरु राज्य रे खाली थिबा पद पूरण को गुरुत्व दिया जाउछि। खाली थिबा अन्य पद रे सेविका नियुक्ति लागि निर्देशालय पक्षरु प्रक्रिया आरंभ होइछि बोली नर्सिंग निर्देशक डाक्टर रामचंद्र राउत सूचना देछंती। शुक्रवार सेविका निर्देशालय रे
ଫ୍ଲୋରେନ୍ସ ନାଇଟିଙ୍ଗାଲଙ୍କ 203ତମ ସ୍ୱ ନକ୍ଷତ୍ର ଦିବସ ପାଳନ ଅବସରରେ ଡାକ୍ତର ରାଉତ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟରେ 29,000 ସେବିକା ଅଧିକାରୀ ପଦ ମଧ୍ୟରୁ ଏବେ 16,000 ସେବିକା କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିବାବେଳେ ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ 262 ସେବିକାଙ୍କୁ ନିୟମିତ କରାଯାଇଛି। ଏହା ବାଦ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା 7,483 ନର୍ସିଂ ଅଫିସର ପଦ ପୂରଣ କରାଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ ପ୍ରବରଣ ଆୟୋଗଙ୍କୁ ପତ୍ର ଲେଖାଯାଇଛି। ଆୟୋଗଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇସାରିଛି। ଏଥିଲାଗି ଅର୍ଥ ବିଭାଗର ଅନୁମୋଦନ ରହିଛି। ଏହା ବାଦ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କମ୍ୟୁନିଟି ହେଲ୍ଥ ଅଫିସରଙ୍କ ତାଲିମ ଭଳି ଆଉ ଏକ ଅଭିନବ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। କଟକସ୍ଥିତ ଏସ୍ସିବି ବ୍ରହ୍ମପୁରସ୍ଥିତ ଏମ୍କେସିଜିରେ ତାଲିମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବୁର୍ଲାସ୍ଥିତ ଭୀମସାରରେ ସାମିଲ କରାଯିବ। ଆସନ୍ତା 5 ବର୍ଷ ଲାଗି ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ବ୍ୟାଚ୍ରେ 30 ଜଣ ସେବିକାଙ୍କୁ 6 ଜଣ ଲେଖାଏଁ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଉନ୍ନତମାନର ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ମିଳିପାରିବ। ବିଭାଗୀୟ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ 262 ସେବିକାଙ୍କୁ ନିୟମିତ କରାଯିବା ସହ 18 ଜଣ ଲ୍ୟାବ୍ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ଓ 66 ଜଣ ରେଡିଓଗ୍ରାଫରଙ୍କୁ ନିୟମିତ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସମସ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତରେ ହେବ କନଭେନସନ୍ ସେଣ୍ଟର। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସହାୟତା ଯୋଜନାରେ ରାଜ୍ୟର 6,798 ପଞ୍ଚାୟତରେ ବହୁମୁଖୀ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ଏଥିସହିତ ପାଠାଗାର ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ପୂର୍ତ୍ତ ଓ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ 5,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ବହୁମୁଖୀ କେନ୍ଦ୍ର ତୁରନ୍ତ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ କଲ୍ୟାଣମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯେଭଳି ଲଗାଯାଇପାରିବ ସେ ନେଇ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ଜେନା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ଶୁକ୍ରବାର ଲୋକସେବା ଭବନର ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବୈଠକର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି କନଭେନସନ୍ ସେଣ୍ଟର ନିର୍ମାଣ ଲାଗି ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତକୁ ପ୍ରାୟ 60 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଅନୁଦାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏହି କେନ୍ଦ୍ରରେ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀଙ୍କ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ସାମୂହିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ। ବାତ୍ୟା ଓ ବନ୍ୟା ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କ ଏହା ସାହା ଭରସା ପାଲଟିବ। ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ ବୀର ବିକ୍ରମ ଯାଦବ ଓ ଗ୍ରାମ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ସିଂହ ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏହି କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣ ଲାଗି 5,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅନୁମୋଦନ ମାଗିଥିଲେ। ହେଲେ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ଶ୍ରୀ ଜେନା 3,000 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ କହିଥିଲେ। ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା ଯେ ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସହାୟତା ଯୋଜନାରେ ଓଡ଼ିଶା ଭାଗରେ 4,528 କୋଟି ଟଙ୍କା ପଡ଼ିଛି। ଏହି ଅର୍ଥରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସୁଦୃଢ଼ କରାଯିବ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସହାୟତା ଯୋଜନା ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯୋଗ ତଥା ନିବେଶକୁ ବାଦ ଦେଇ 27,640 କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ ହେବାକୁ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏଥର ପାଣିପାଗ ଖବର। 3 ଦିନ ଅସହ୍ୟ ତାତି, 18ରୁ କାଳ ବୈଶାଖୀ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ମିଆଁମାରରେ ଭୂମିସ୍ପର୍ଶ କରିଥିବା ମୌକା ଯୋଗୁଁ 2 ଦିନ ହେଲା ରାଜ୍ୟର ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ତାପମାତ୍ରା ସାମାନ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଥିବା ବେଳେ ରବିବାର ପୁଣି ଦିନ ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟରେ ଭୀଷଣ ତାତି ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ରବିବାର ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ତାପମାତ୍ରା ସବୁଠୁ ଅଧିକ 43.8 ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁଛି। ଏହା ରାଜ୍ୟର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଉତ୍ତପ୍ତ ସହର ପାଲଟିଛି। ତା ତଳକୁ ବଲାଙ୍ଗୀର 42.2 ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ ଟିଟିଲାଗଡ଼ରେ 42 ଡିଗ୍ରୀ ରହିଛି। 14 ସହରରେ ତାପମାତ୍ରା 40 ଡିଗ୍ରୀ କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ରେକର୍ଡ଼ ହୋଇଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ ପଶ୍ଚିମ ତଥା ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରୁ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଶୁଷ୍କ ବାୟୁ ପ୍ରବାହ କରିବା ହେତୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏପରିକି ତାପମାତ୍ରା 45 ଡିଗ୍ରୀ ଅତିକ୍ରମ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଫଳରେ ଡହଡହ ତାତିରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶା ଜଳିବ। ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟାରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର ଏବଂ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। 18 ତାରିଖରୁ କାଳ ବୈଶାଖୀ ଯୋଗୁଁ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏଥର ଆଇପିଏଲ୍ ଖବର। ଚେନ୍ନାଇ 6 ୱିକେଟ୍ରେ ପରାସ୍ତ। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ 16ତମ ସଂସ୍କରଣର
61तम मैच रे रविवार चेन्नई सुपर किंग्स को 6 विकेट रे परास्त करिछि कोलकाता नाइट राइडर्स। द्वितीय पाड़ी रे कोलकाता 145 रन रो लक्ष्य को पीछा करी 18.3 ओवर रे 4 विकेट हराई 147 रन करी विजयी होईछि। कोलकाता पक्षरु नीतीश राणा 57 रन करथिला बेले रिंकू सिंह 54 रन करी कोलकाता को विजयी देछंती। एही विजय सह कोलकाता 12 अंक संग्रह करी टेबल तालिकार सप्तम स्थान रे रहिछि। अन्यपटे 15 अंक सह चेन्नई द्वितीय स्थान रे रहिछि। प्रथम पाड़ी रे चेन्नई टॉस जेनी बैटिंग निष्पत्ति नैथिला। दौड़ निर्धारित 20 ओवर रे 6टी विकेट हराई 144 रन संग्रह करथिला। फल रे कोलकाता को 145 रन रो विजय लक्ष्य मिलिथिला। सेहिपरि इंडियन प्रीमियर लीग 16तम संस्करण रो 60तम मैच रे रविवार राजस्थान रॉयल्स को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर 112 रन रे परास्त करिछि। जयपुर स्थित स्वाई मानसिंह स्टेडियम रे 172 रन रो विजय लक्ष्य नै बैटिंग करथिबा राजस्थान टीम 10.3 ओवर रे समस्त विकेट हराई 59 रन रे अटकि जाइछि। आजिर खबर बुलेटिन एतिक्रे शेष होला। आसंता काली पुणी देश विदेश रो नुवा नुवा खबर सह आपणक निकटरे उपस्थित रहिबे ठीक एही समय रे। सेतेबेळ पर्यंत विदाय नेउछि। नमस्कार। आजिर दिनटी आपण मानक पाई मंगलमय हेउ।